श्रीमती रेणुका चौधरी जी। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये बोलने का मौका दिए हैं। आप जानते हैं कि जब देश में एक बजट प्रकट किया जाता है तो सिर्फ ये नहीं कि देश के मशहूर इकोनॉमिस्ट बैठ के सोचते हैं, आंकड़े और दिशा जरूर बना के देते हैं, मगर भारतवासी और मेरे जैसे गृहस्थी महिला भी बजट की तरफ और पलट के देखते हैं ये समझने के लिए कि हमारी जिंदगी के साथ क्या होने वाली है या आने वाले साल में कहां पैसा का बचत करें, परिवार का प्रोग्रेस देखें, बच्चों को कहां शिक्षित रखें, कैसे रखें, और अगर एक सामान्य किसान की परिवार हो तो फिर कई बातों को सोचना पड़ता है। तो ये जब बजट बन के आती है तो सिर्फ बातों में, हवा महल से हम बात करेंगे तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है। सर सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये मेरे कॉलीग्स इतनी देर से खड़े हैं, इतनी दिनों से आवाज उठाते हैं, और यहाँ हमारे रेस्पेक्टेड कॉलीग केशव राव जी बहुत ही गरम गरम होके बोले हैं। तो वास्तव है कि ये जो तेलंगाना आंध्रा, ये हमारे जुड़वे बच्चे थे कि एक तेलुगु दूसरा तेलुगु से हम आजकल लड़के, नफरत फैला हुई है, खून के रफ्तार बह रहे हैं, नदी तालाब सूख गए हैं, नया राज बनना था मगर हुआ क्या। जो फैसला इस मैदान में होती है, इस घर में, तो क्या किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि निभाया जाएगा, कि अगर सरकार बदल जाती है तो वादा निभाया नहीं जाता है। Why has Andhra not been given their status as a special category status? Why have they not been given? क्या बहाना है, क्या कारण है आपके पास इनको मना के लिए? You had said that you will allocate funds. What is the percentage that you have actually allocated? Do you know what is happening in Telangana as well? Under PMGSY, you have given us tokenism. Hum zarur budget ke niche, heads ke niche gaye, tribal welfare or development. Meri zila Khammam district hai, jahan sabse zyada tribals rehte hain Telangana mein. हमारे टंडा गुड़म जो हम उसको नाम देते हैं, वहां चलने के अधिकार नहीं है हमें। तीन तीन दिन लगते हैं हमारे घरों से सड़क तक पहुंचे तक। तो इतनी बेरहम सरकार, सिर्फ दिखाने के लिए आप बोलते जाते हैं बजट पे, वास्तव में हो क्या रहा है? ऐसे उम्मीद दिलाए हमें किसानों को कि आपने किसान का बजट प्रकट करे हैं। हमने भी सोचा कि हाँ, मैं समझती हूं आपकी मजबूरी क्या है, देश भर में किसान का आह आपको लग रही है, तो आपको वो समझ में आया और ये साल इलेक्शन आएगी इसीलिए तो आप जल्दबाजी में किसान का बजट लेके आए। कितने पैसे दिए भाई इसमें, पैसे दिए क्या? व्हाट इज योर ओवरऑल परसेंटेज दैट यू हैव इंक्रीज्ड इन द एलोकेशन, मुझे समझाइए। एमएसपी देंगे, समझते हैं आप एमएसपी क्या चीज है? आप समझते हैं क्या? आप और आपके बाबू लोग ऐसी कमरे में बैठ के जो कभी जमीन जोदे नहीं, जब आपने कभी देखा ही नहीं, वो तकलीफ आपको महसूस हुआ नहीं कि जब हम खड़े रहते और हमारी फसल सूख जाती है, या बंपर क्रॉप मिलके हम मार्केट चले जाते हैं और रेट नहीं मिलती है। आप जानते हैं वो तकलीफ क्या है? क्या आप जानते हैं कि हम महिलाएं किसान जो होते हैं, हमारा मंगल सूत्र तक हम गिरवी रखे हैं भाई साहब कि हमारा फसल चले। आप क्या जाने, इसमें समझ में आ गई कि आपको कुछ जानकारी नहीं है। आपके सवालों से समझ में आ जाती है कि आपकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। और ज्यादा मत बोलिए नहीं तो सारा पोल खुल जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूं, जरा सोच समझ के कदम उठाइए।
किसान का आक्रोश खत्म नहीं होने वाली है, ये शुरुआत है मेरे भाई। इलेक्शन तक हम देखते रहेंगे कि एमएसपी क्या है और किसान का एबीसी क्या है, आपको समझ में आएगी। आप कह रहे हैं कि बाकी एमएसपी से हम इसको एक्सटेंशन ऑफ एमएसपी दे रहे हैं बाकी क्रॉप के लिए, इसका फैसला कौन करेगा? नीति आयोग। नीति आयोग फैसला करेगी, मगर ये कहा नहीं गया कि इसका खर्चा और कर्जा कहां से उठाएंगे। कोई बजट एलोकेशन है ही नहीं इस बात पे, कोई एलोकेशन टू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फैमिली वेलफेयर, फार्मर्स वेलफेयर का नहीं है। फिर आप रिवाइज्ड एस्टिमेट में क्या लेके आए हैं? नो, मुझे समझ में आ रही है, जो ये बेचारे नए राज वालों को समझ में नहीं आ रही है। आप यहां तो कह देते हैं, लाल किला से भी लोग बोलते हैं, मगर होता क्या है कि घूम पलट के राज्य सरकारों पे आप खर्चा ठोक देते हैं और हमारे राज्य सरकार ये कर्जा उठा नहीं सकते हैं। मगर आप तो ड्रामा तो बहुत अच्छा करते हैं, आप देखते रहिए। आज के दिन जब किसान मध्यवर्ती के वजह मार्केट चले जाता है, तो क्या आप मध्यवर्ती को हटा से भाई साहब आप बैठो, जरा जरा विनम्रता से सुनिए। सच सो सुनने का हौसला भी रखना चाहिए, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है, कभी चुप जाता है, मैं जानती हूं। आपने यहां हाउस में आके कह दिया कि हम सरकार वी आर फोर्स्ड टू ब्रिंग अप द प्राइस ऑफ फार्मर्स, क्योंकि किसानों का झगड़ा। और इससे सर आज ये सरकार बोल रही है किसान का नाम कम से कम ले रहे हैं, यहां तक तो वो भी नहीं थी। बट वॉट आर द आउटलेज फॉर द मार्केट इंटरवेंशन एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम, जो बहुत जरूरी है। ये क्या करे, इसमें गिरावट है फ्रॉम 950 करोड़ ऑफ रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर लास्ट ईयर, 200 करोड़ में किसान का भविष्य आप दिखा रहे हैं हमें। वाह रे वाह, मुझे समझ में नहीं आया। दिस इज यस, अब ये एनपीए राइट ऑफ जो आप इंडस्ट्री के लिए दिए, एक दमड़ी का नौकरी कहीं नहीं लगा किसी का, मगर इंडस्ट्री को जो रिलीफ दिए हैं हमारे किसानों का, हमारा कर्जा का रिलीफ नहीं देंगे? किसान का डेट रिलीफ के लिए आप 2 कौड़े पैसे आज तक दिए नहीं। मेरे किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। आज मुझे ज्यादा दुख लग रही है क्योंकि मेरे क्षेत्र खम्मम में भी एक किसान ने आत्महत्या किया, 2 बोरवेल खोदा और 1 बूंद पानी नहीं आई। बंपर क्रॉप हम क्या, हम वहां कपास उगाते हैं, पैडी उगाते हैं, मिर्ची उगाते हैं, एक बार कर्जा के रूट पे चले गए तो कोई यू टर्न नहीं है। सरकार के लिए यू टर्न में किसान को मिलता नहीं है। ये टेनेंट फार्मर्स का क्या हालात है? कभी जमीन आप लोगों ने कॉल पे लिया? क्योंकि हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है कि अपनी जमीन रहे। कॉल पे जब हम जमीन लेते हैं और नुकसान हो जाता है, कहीं आपके बजट में मैंने बहुत गौर से ढूंढी, एक लफ्ज नहीं है, एक सोच नहीं है, एक विचार नहीं है कि कॉलदार का हालात क्या होगा इस बजट में। सर प्लीज माफ कीजिए, आप घंटी मेरे तरफ मत बजाइए सर। देखिए किसान के सुइसाइड जो आंध्रा तेलंगाना ओडिशा, इसमें हमारे जितने भी कॉलदार टेनेंट फार्मर्स हैं, इनके लिए तो कोई सहूलत नहीं है और ये कोई सपोर्ट नहीं है इस बजट में। और महिला किसान का, वैसे तो इस हाउस में महिला का गरिमा और मर्यादा हमने देख लिया है, मगर आप जानते हो कि महिला किसान का हालात क्या होता है? देर इज नो सॉरी पानी मंगाई। जेंडर डिसएग्रीगेटेड लैंड रिकॉर्ड्स, कोई एग्रीकल्चरल क्रेडिट मिल रहा है क्या? एसएचजी लोन्स का कोई छूट मिलता है क्या हमें? जब कभी नेचुरल डिजास्टर हो गए, वसूली तो बड़ा अच्छा कर लेते हैं आपके बैंक के, एग्रीकल्चरल क्रेडिट में कितना खर्चा किया है आज के दिन आप बताइए? आपके बैंक हमारे गरीब किसान के घर से उनके घर के चौखट तक लेके चले जाते हैं जब और कुछ बचा नहीं है उसके घर में, और फिर
बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले अपने मर्सिडीज बेंज में देश भर में घूमते हैं। आपको पता कि मर्सिडीज लग्जरी कार का ईएमआई ट्रैक्टर का ईएमआई से सस्ता है। ट्रैक्टर का क्या दाम है और क्या क्वालिटी है आपने कभी चला के देखा? आज का दिन ट्रैक्टर का वजन कम हो गई है। जब हम जोतने जाते हैं तो हमारी ट्रैक्टर उठ जाती है, डबल हो, क्योंकि इसका गेज में कमी आ गई है। और आप देखिए, महिला का किसान का आपने कुछ नहीं दिया। लैंडलेस वुमेन, स्पेशली दलित वुमेन, डबल टाइम टू यू प्लीज। सर सर एक मिनट सर, सर मैं कंक्लूड कर रही हूँ। अब स्वास्थ्य के बारे में मैं क्या बताऊं, सरकार तो तंदुरुस्त लगती है। पीछे से कुछ आपने कह दिया है कहने के लिए कि देश भर में इतने सारे इंश्योरेंस, आप भी जानते हैं ये होने वाली बात नहीं है। आप बोले हमें झूठे उम्मीदें मत दीजिए, क्योंकि फिर हमने जो दमड़ी दमड़ी जोड़े हैं अपना आटे के डिब्बे में अपने मर्दों से छिपा के, जो पैसे हम बचत करते हैं तो वो भी हम खर्च कर लेंगे यही सोचते हुए कि सरकार हमारी सहारा बनेगी, ये तो होने वाली बात नहीं है। सर सारे स्कीम्स अब मुझे आपने घंटी बजा दिया तो मैं मजबूर हूं कि मैं संक्षेप में बोलूं। आप मुझे बताइए सर, PMRPRY इस स्कीम के नीचे आपने एक पैसा नहीं एलोकेट किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पकोड़ा रोजगार योजना में कहीं भी एक पैसा नहीं दिए है सर। स्किल डेवलपमेंट पे तो ये देना था, कहीं भी इस हेड के नीचे हमें कुछ पैसे मिले नहीं। मगर सबसे दिस इज द क्रूशियल पार्ट, रेणुका जी सर बजट, सर फिनिश सर, हम इसकी फिजिकल टारगेट जो 3.2% से उतर गई है डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट जो है, यू हैव फेल्ड टू डिलीवर ऑन द 3.2% टारगेट फॉर नेक्स्ट ईयर बैलेंस। कह रहे भाई साहब अभी कह रहे थे उधर तरफ के कि हमने फूड पार्क दिया, फूड प्रोसेसिंग, आपको जानकारी है क्या जो दिया हुआ 42 फूड पार्क्स में 4 चलते हैं वो भी लंगड़ते लंगड़ते, तो आंकड़े देने से कि वो 4 भी नहीं चल रहे हैं। रेणुका जी, रामदेव जी का, रेणुका जी हम दूसरा नाम लेंगे, आप समाप्त कीजिए। नहीं नहीं, एक मूल मुद्दा है सर, नहीं है निर्भया, निर्भया फंड महिलाओं का, निर्भया फंड में भी कटौती हो गई सर, निर्भया फंड में भी कटौती हो गई। हालांकि निर्भया क्या है कि एक औरत के साथ बलात्कार होने के बाद हम उसको कुछ सहूलत और छूट देने के लिए, मगर मैं सोचती हूँ कि इस निर्भया फंड को हटा ही दे, बलात्कार की सवाल, अगला नाम मैं बोलता हूं, महिला का मर्यादा की सवाल है, जो इस हाउस में देश के प्रधानमंत्री एक महिला का बेइज्जती करते हैं, और श्री ज्वेल जो हमारी रक्षा करना चाहिए, कानून को खड़ा करना चाहिए, त्रिचि शिवा वो भी ट्वीट करता है, त्रिचि शिवा अगर इस हाउस में है तो सड़क का क्या इशारा हो गया है? बैठ जाइए, धन्यवाद। आप बोल रहे हैं क्या कहते हैं महिला सुरक्षा, त्रिचि शिवा आंकड़े देते जाते हैं, आंकड़े दिखाते हैं, इस आंकड़े कुछ नहीं होगा सर, इरादा होनी चाहिए, महिलाओं का मर्यादा होनी चाहिए, और अगर आप ये दे नहीं सकते तो शर्म से ये बजट का मत कीजिए। जो चीज अनपार्लियामेंट्री है उसको मैं निकाल दूंगा, आई विल रिमूव एक्सपेंज थिंग फ्रॉम द टॉपिक, एक्सपेल किया जाएगा। त्रिचि शिवा यू सिट डाउन, देखिए आप बैठिए, इफ इट इज अनपार्लियामेंट्री इट विल बी रिमूव्ड। अगर इनको आईना दिखाया जाएगा तो उस आईने में अगर आप किसी आपके कांग्रेस तो हम क्या कर सकते हैं? त्रिचि शिवा बोले, मिस्टर वाइस चेयरमैन सर, मिस्टर वाइस चेयरमैन सर, हाँ आई एम हैप्पी एंड प्राउड टू